बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल ओमान पुलिस के न्यू ट्रैफिक कानून के बारे में, जो कि लागू होंगे 2018 में से ही। न्यू कानून क्यों मुतारफ करवाए गए हैं, इनकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। आप जान पाएंगे इस वीडियो में ROP के फर्स्ट 3 न्यू रूल्स ओवर स्पीड के मुतल। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन तीनों न्यू कानून के मतलब, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आप भी इनसे बचने की तदबीर कर सकें। और दोस्तों न्यू रूल्स बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेकवे दूर दूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ऐसी ही मालूम के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल में तो ये जो न्यू कानून बताए गए हैं रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से, ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ओमान में रोड एक्सीडेंट होता ही रहता है जिसमें बहुत सारी जानें ज़ाया हो जाती हैं। ये जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं ये ज़्यादातर ड्राइवर की कोताही से ही होते हैं, इसलिए ही ये नए कानून मुतारफ करवाए गए हैं सन 2018 में। दोस्तों अब की बार आपके लाइसेंस के ऊपर ब्लैक पॉइंट भी ऐड होंगे, और ये जो ब्लैक पॉइंट ऐड होंगे आपके लाइसेंस के ऊपर, ये आपके लाइसेंस को कैंसिल भी करवा सकते हैं। ब्लैक पॉइंट के साथ साथ जुर्माना भी ऐड होगा आपके लाइसेंस के ऊपर। तो चलें दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सन 2018 के ओवर स्पीड वाले 3 न्यू कानून बताता हूं, और साथ में ब्लैक पॉइंट और जुर्माने के रियाल भी बताता हूँ कि कितने ऐड होंगे आपके लाइसेंस के ऊपर। सबसे पहला है, आप जिस रोड पर ड्राइव कर रहे हैं इस रोड की मैक्स स्पीड मिसाल के तौर पर 100 है, 100 है, या 50 है, या 30 है, और आप उस रोड पर 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ओवर स्पीड पर जा रहे हैं और आपकी स्पीड को रोड मॉनिटर कैमरा कैप्चर कर लेता है, तो इसका आपको होगा 50 रियाल उमानी जुर्माना, और इसके साथ ही आपके लाइसेंस के ऊपर 3 ब्लैक पॉइंट भी ऐड हो जाएंगे। बेहतर यही होगा कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को मैक्सिमम स्पीड में ही चलाएं। और दोस्तों इसके बाद में है नंबर 2, और नंबर 2 है, अगर आप जिस रोड पर ड्राइव कर रहे हैं इस रोड की स्पीड सिर्फ 100 है, यानी मिसाल मैं दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर उस रोड की स्पीड मैक्स सिर्फ 100 है, 100 पर घंटा है, और आप इस रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं 150 से लेकर 175 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, तो इसके लिए आपको 35 रियाल उमानी जुर्माना होगा, और इसके साथ में ही आपके लाइसेंस के साथ 2 ब्लैक पॉइंट ऐड कर दिए जाएंगे। बेहतर यही है कि आप अपनी गाड़ी को मैक्स स्पीड में ही रखें। और दोस्तों नंबर 3 का ओवर स्पीड वाला कानून ये रहा, अगर आप जिस रोड पर गाड़ी चला रहे हैं इस रोड की स्पीड सिर्फ 100 यानी 100 किलोमीटर फी घंटा है, और आप इस रोड पर अपनी गाड़ी चला रहे हैं 135 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से, तो इस रोड पर आपको पड़ेगा 10 रियाल उमानी जुर्माना, और इसके साथ में ब्लैक पॉइंट कोई भी नहीं डाला जाएगा आपके लाइसेंस के ऊपर। तो दोस्तों आप अपनी गाड़ी चलाएं सेफ और सिक्योर, अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए और अमान कानून के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी भी महफूज रहे और आपके साथ जो भी अटैच हैं वो भी किसी अनजाने दुख से महफूज रहें। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ओमान के मतलब ऐसी ही दूसरी मालूमती वीडियो मसूल हों, यानी आपको ओमान में नए आने वाले कानून के बारे में मालूम हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल का विजिट करके देखें, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मालूमती वीडियोज़ मिलेंगी ओमान के मतलब। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही दूसरी मालूमती वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।